दूत ने राजा द्रुपद के पास आ उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है। इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा यह विचार बड़ा ही खोटा था। इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की यह बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं है यह कहकर उस दूत के द्वारा अपने समधी के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पंचाल राज की पुत्री ही है। इसलिए वह तुरंत ही पंचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पंचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे तथा पंचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बैठा देंगे, फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। दशार्ण राज के पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई, अब हम क्या करेंगे? शिखंडी के विषय में अब सबको शंका हो रही है कि यह कन्या है। यही सोचकर दशार्ण राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया, इसलिए अब वह अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वह बात बताओ, मैं वैसा ही करूंगा। तब रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेयस्कर माना है, फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए आप देवाराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशार्ण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए, फिर देवताओं के अनुग्रह से यह सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखंडिनी भी लज्जित सी होकर सोचने लगी कि ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं। इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। यह सोचकर वह घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। इस वन की रक्षा स्थूनाकर्ण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहां उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडिनी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्थूनाकर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्ये, तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार-बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने अपना सारा वृत्तांत स्थूनाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दशार्ण राज मेरे नगर तक पहुंचे उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा यह काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ
कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीतत्व को धारण करूँगा। शिखंडी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूँगी। थोड़े दिन के लिए ही तुम मेरा स्त्रीतत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्ण देश को लौट जाएगा, उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली, तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। स्थूणाकर्ण यक्ष ने स्त्रीतत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का देदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पंचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। यह घटना जैसे जैसे हुई थी, वह सब वृत्तांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। फिर उन्होंने दशार्ण राज के पास दूत भेजकर कहलाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है, वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दशार्ण राज ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गौ और बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने से वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के स्थान पर पहुंच गए। स्थूणाकर्ण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा, यह सजा हुआ भवन स्थूणाकर्ण का ही है, किंतु यह मंदमति मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडनी नाम की एक कन्या है। उसे किसी कारण से स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीतत्व ग्रहण कर लिया है। अब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है। अतः संकोच के कारण ही वह आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूणाकर्ण की ओर से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा, तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवन, मैं आ गया हूँ। स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतिकार, इन चार अंगों के सहित
धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दिख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन, इस प्रकार यह द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और बाद में पुरुष हो गया है। यह यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा, तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और न इस पर शस्त्र ही छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा, तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे। इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म की यह बात सुनकर कुरु राज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। दुर्योधन के प्रति भीष्मादि का और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ, तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो यह असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा को इसका नाश करने में कितना समय लगेगा? मुझे बहुत दिनों से यह बात जानने की इच्छा है, कृपया बतलाइए। भीष्म ने कहा, राजन, तुम जो शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम, शस्त्रबल और भुजाओं का सामर्थ्य है, वह सुनो। धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है, सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। अतः यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूं, तो एक महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो भी भीष्म जी के समान मैं भी एक महीने में ही अपनी शस्त्र अग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी ही है।